सेजिटेरियस ईयरली राशिफल 2022 यानी कि धनु राशि वालों के लिए 2022 में हेल्थ, फाइनेंस, लव लाइफ, जॉब, बिजनेस और एजुकेशन कैसा रहेगा, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैं सुविज्ञेंदु सुत आप सभी का स्वागत करता हूँ अपनी इस ईयरली राशिफल वाली सीरीज में। तो आइए आपको ज़्यादा वेट ना करवाते हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। धनु राशि इस ईयरली राशिफल सीरीज की 9th वीडियो है, तो अगर आपने अभी तक बाकी राशियों की वीडियो को नहीं देखा है तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे आने वाली ऐसी और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इसी के साथ बेल आइकन को दबाएं। अगर 2022 में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेनेटरी ट्रांजिट की बात करें तो शनि गोचर करेंगे एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में, आपकी राशि से थर्ड हाउस में। अप्रैल के बाद से जुपिटर गोचर करेंगे पाइसिस यानी कि मीन राशि में, आपकी राशि से फोर्थ हाउस में। केतु गोचर करेंगे तुला यानी कि लिब्रा राशि में, आपकी राशि से 11th हाउस में। वहीं राहु गोचर करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि में, आपकी राशि से 5th हाउस में। अगर 2022 में आपका ओवरऑल साल को देखें तो ये आने वाला साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके लिए बिगेस्ट रिलीफ तो ये रहेगा कि पिछले 7.5 साल से आपके ऊपर शनि की 7.5 ही चल रही थी, जो अप्रैल के बाद से आपकी ये शनि की 7.5 ही खत्म हो जाएगी। तो ये ही आपके लिए बहुत ही बड़ा रिलीफ होगा। आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से जो ग्रोथ रुकी हुई थी, जैसे आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स चाहते थे वैसे नहीं मिल पा रहे थे, या फिर आपका जो कैरियर था, आपकी प्रोफेशनल लाइफ थी, वो एक ही जगह अटक गई थी। आप भी अपनी लाइफ में एक जगह अटक गए थे, कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो ये साल आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा रहने वाला है। आपकी जो भी टारगेट्स हैं, आपने जैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करे हैं आने वाले टाइम में, वैसे ही आपको मिलेंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स इस बार मिलेंगे। तो यानी कि ओवरऑल 2022 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 2022 में अगर आपकी हेल्थ की बात करें तो ये आने वाला साल आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। पिछले काफ़ी टाइम से आपके हेल्थ में जो उतार चढ़ाव आ रहे थे, आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से आपके काफ़ी पैसे खर्च हो रहे थे, तो इस प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी हेल्थ इस बार अच्छी चलती रहेगी, और अगर आप थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे तो आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज इस साल परेशान नहीं करेंगे। 2022 में अगर आपके फाइनेंशियल लाइफ की बात करें तो ये आने वाला साल आपके फाइनेंस के लिए भी अच्छा रहेगा। पिछले काफ़ी सालों से आपके बेकार के कामों में पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे थे, बीमारियों में पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे थे, आप बार बार जो बीमार पड़ रहे थे उसमें आपके किसी ना किसी वजह से पैसे जो थे वो खर्च हो जाते थे, आप उन्हें सेव नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो इम्प्रूव नहीं हो रही थी। तो ये आने वाला साल आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, इसी के साथ आप जो पैसा कमाएंगे इस साल उसे भी आसानी से सेव कर पाएंगे। तो ओवरऑल ये साल आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। 2022 में अगर आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करें तो ये वाले साल में आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। आपके अपने पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन बनेगी, तो उसे आपको अवॉइड करना होगा। आर्ग्यूमेंट्स जितना आप अवॉइड करेंगे, जितनी नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग को अवॉइड करेंगे, उतने ही आपकी रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ इस साल अच्छी चलती रहेगी। हालांकि ये साल जो लोग अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं या फिर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तो इस साल आपके लिए जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है वो सपोर्टिव है और आप इस साल मैरिज कर पाएंगे। अगर 2022 में आपकी जॉब की बात करें तो ये आने वाला साल आपकी जॉब के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। काफ़ी टाइम से जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे और किसी ना किसी वजह से आपकी जॉब नहीं चेंज हो पा रही थी, या फिर आप नई जॉब ढूंढ रहे थे, तो इस साल के प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इस साल आपको कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। इस साल अगर आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी मिलेगा। तो ये आने वाला साल आपकी जॉब के लिए पॉजिटिव रहेगा।
अगर 2022 में आपके बिजनेस की बात करें तो ये आने वाला साल आपके बिजनेस के लिए भी पॉजिटिव रहेगा। काफ़ी टाइम से आपकी जो बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी या फिर जो आपकी इम्पॉर्टेंट बिजनेस डील्स थी जो रुक गई थी जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा था, तो ये साल आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। इसी के साथ अगर आप कोई भी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या काफ़ी टाइम से आपकी जो प्लानिंग है नए इन्वेस्टमेंट की वो रुकी हुई है, तो ये साल के जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और ये बिल्कुल राइट समय है किसी भी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने का। अगर स्टूडेंट्स की बात करें 2022 में, तो आपको इस साल थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि राहु केतु का ट्रांजिट जो है वो स्पेशली आपकी एजुकेशन पे ही इफ़ेक्ट डाल रहा है। तो अगर आप ठीक से प्लानिंग करेंगे और कोई भी जो हर्डल्स है उन्हें इग्नोर करते हुए आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखेंगे, ढंग से मेहनत करेंगे, तो आपकी जो एजुकेशन है वो इस साल अच्छी चलती रहेगी। तो ये था सेजिटेरियस ईएलडी राशिफल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, इसी के साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इसी के साथ धनु राशि वाले लोगों को शेयर करें। ये जो ईएलडी राशिफल होता है ये यूनिवर्सल होता है, ज़रूरी नहीं कि आपको भी ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए पर्सनली ये आने वाला साल कैसा रहेगा तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं मेरी वेबसाइट पे जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा मकर ईएलडी राशिफल 2022 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।